बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, बड़ी खबर है जहां पर राज्य सरकार ने स्टेट लॉ ऑफिसर्स की तैनाती को रद्द कर दिया है। कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट में तैनाती हुई थी और आदेश पत्र में गलतियों की वजह से इन तैनातियों को रद्द किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट में इनकी तैनाती हुई थी, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि इसे रद्द कर दिया गया है। आदेश पत्र में गलतियों की वजह से ये तैनाती रद्द की गई है और जल्द ही नया आदेश राज्य सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा। और चलिए शैलेश अरोड़ा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, और क्या जानकारी फिलहाल इस खबर पर? देखिए, अगर बात करें तो 2 अगस्त को ये नियुक्ति हुई थी। इससे पहले 2 अगस्त को ही देखिए बड़ी संख्या में जो शासकीय अधिवक्ता हैं, 841 जो विधि अधिकारी थे उनको हटाया गया था और उसके बाद 2 अगस्त को ही एक आदेश जारी किया जाता है और उसमें प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है यहाँ पर विधि अधिकारियों की तैनाती की जाती है। कुल 586 राज्य विधि अधिकारी जो थे, यानी जो सरकारी वकील जिन्हें हम कहते हैं, उनकी नियुक्ति की, उनकी तैनाती का आदेश जारी किया जाता है। इसमें से जो प्रयागराज की बात करें तो वहां की जो हाईकोर्ट की प्रधान सीट है वहां पर 366 और लखनऊ बेंच में 220 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद आज अचानक से एक प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी होता है जिसमें यह हवाला दिया गया है कि जो पिछला आदेश जारी किया गया था उसमें कुछ लिपिकीय त्रुटि है जिसके चलते एक संशोधन आदेश अब जारी किया जाएगा। हालांकि इंतजार है उस संशोधन आदेश का और देखना होगा क्या कि क्या वजह रही जो इतने बड़े पैमाने पर पहले तैनाती की जाती है जो सरकारी वकील है उनकी और उसके बाद में उनका जो आबद्धता का आदेश है उसको रोक दिया जाता है और ये कहा जाता है कि उनका संशोधन बाद में जारी किया जाएगा। तो अब सभी को नई सूची का इंतजार है कि आखिर उसमें किस स्तर के और कितने बदलाव देखने को आने वाले दिनों में मिलेंगे, या आज जारी होगी लिस्ट, कल जारी होगी। अब सबकी इस पर देखिए निगाह बन चुकी है। शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। राज्य सरकार ने लॉ ऑफिसर्स की तैनाती को रद्द कर दिया है। कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट में तैनाती हुई थी और जल्द ही नया आदेश जारी होगा। आदेश पत्र में गलतियों की वजह से इन तैनातियों को रद्द किया गया है और बहुत जल्द नया आदेश सरकार जारी कर सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।